ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని తెలిపారు. దేశంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలు చేసి తీరుతామంటూ స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలో అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా, రాజ్నాథ్ సింగ్ తో కలిసి మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు మోదీ. 14 అంశాలతో మేనిఫెస్టో రూపొందించారు. 70 ఏళ్లు పైబడిన వారికి 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యాన్ని అందిస్తామని చెప్పారు. దేశంలో మరో 4 కోట్ల ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. హామీల అమలు విషయంలో వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు మోదీ. पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं. इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया. मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी. भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा. 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग के हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं. अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती. हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे. बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझ कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं. भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है.